अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। यू हैव रीड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गेव अस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस इज देयर, सो वी कैन प्रोटेस्ट। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड बाय द बीजेपी लीडर्स, देश के गद्दारों को गोली मारो एंड ऑल, गोली से नहीं मानेंगे, गोली से नहीं मरवाएंगे। रिलीजियस हार्मनी ऑफ द कंट्री बाय मेकिंग सच काइंड ऑफ लूज स्टेटमेंट। सी, वारिस पठान इज द लास्ट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट एनी रिलीजन और अगेंस्ट द कंट्री। आई वोंट स्पीक अगेंस्ट दैट, आई विल नेवर एंड विल नेवर। इट इज देयर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एंड सी, टुडे पीपल आर प्रोटेस्टिंग, नॉट ओनली मुस्लिम्स आर प्रोटेस्टिंग इन द कंट्री अगेंस्ट द ब्लैक लॉ, आवर हिंदू ब्रदर सिस्टर्स आर प्रोटेस्टिंग। What is there to apologize? What is there? What is there? Muslims can outweigh the remaining. They are construing it in their own way. They are construing it in their own way. But the BJP is trying to segregate us from them, which the constitution does not permit. And so that it is very clear before the nation what I said. 130 crore की आबादी है हमारे देश भारत में, ये BJP वाले उसमें से हमको अलग करना चाहते हैं। अरे हम इस देश का अटूट हिस्सा है, ये देश पे जितना मोदी का हक है उतना ही अधिकार वारिस पठान का अधिकार है। क्यों हमको अलग करने की बात कर रहे हैं? इनके बीजेपी के नेता हर दिन आकर गोली मार देंगे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं। और संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोटेस्ट करिए आप, फिर भी इस तरह की बातें हो रही है। और 4 दिन पहले बात की थी, मीडिया को कंट्रोवर्सी चाहिए था, मीडिया ने कंट्रोवर्शियल बना दिया इसको।